नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हमारे सामने हैं भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना, कथक नृत्यांगना, जिनका नाम है लीना मालाकार। इनका आज स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार मिथिली जी। मैम, आपने विषय में बताइए थोड़ा, कैसा क्या है? मैं लीना मालाकार विच, मैं ओरिजिनली काठमांडू से हूँ और अभी मैं दिल्ली में फरीदाबाद में रहती हूँ। और मेरी जन्म नेपाल में हुई, मेरी पढ़ाई लिखाई सब नेपाल में हुई। फिर मुझे पता चला जब कॉलेज में थी तो वहाँ पे भारत सरकार द्वारा एक स्कॉलरशिप दिया जाता है जो फॉरेन स्टूडेंट के लिए होती है, तो मैंने अप्लाई किया था और मुझे मिल गया। तो मैं यहाँ पे दिल्ली में आके अपने गुरु श्रीमती नंदनी सिंह जी के गाइडेंस पे डांस, क्लासिकल कथक सीखने लगी। अब मैं बहुत दिन से मैं अपना परफॉर्मेंसेस देती हूँ देश में विदेश में, और स्पीक पके के साथ जुड़ी हूँ जो मुझे ये अवसर देता है कि जो गांव जहाँ पे बच्चे डांस नॉर्मली देख नहीं सकते हैं वहाँ जुड़ने का मुझे मौका मिलता है। तो इसी वजह से मैं पांडुरना भी आई हूँ और स्पीक मके ने भेजा है मुझे, उसके थ्रू से आई हूँ। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मिथिलेश जी ने, बहुत 5-6 दिन मेरे साथ रह के बहुत काम किए हम लोगों ने, तो थैंक यू। मैम, जिनको रुचि रहती है कथक में, अगर वो सीखना चाहें तो वो किस स्टेज में किस तरह से अपना प्रयास करें कि वो आगे अपने इसको एक करियर के रूप में ले जा सके? सबसे पहले तो जो मेरे पास बच्चे आते हैं सीखने के लिए वो तो शहर में है, दिल्ली में है, तो 7-8 साल के बच्चे आते हैं। उससे कम के बच्चे थोड़ा, क्योंकि ये क्लासिकल आर्ट है, आपको डांस म्यूज़िक के साथ साथ बहुत कुछ समझना पड़ता है, ताल लय और उसमें क्या हम लोग कर रहे हैं उसको समझना पड़ता है। ये जस्ट डांस डांस नहीं है, देर आर लॉट ऑफ थिंग। इसमें साहित्य है, इसमें संगीत है, इसमें ताल रिदम्स है, तो वो सब समझने के लिए बहुत छोटे बच्चे नहीं सीख सकते, 7-8 साल के बच्चे थोड़ा शुरुआत कर सकते हैं। फिर पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होता है। तो पढ़ के फिर बाद में आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, कथक केंद्र है, भारतीय कला केंद्र है, और इस तरह से अलग अलग गांधर्व महाविद्यालय है, और उस तरह से या तो गुरु शिष्य परंपरा में भी आप सीख सकते हैं। पढ़ाई को साथ में तो रखना ही पड़ता है, तो उस तरह से हम लोग सीख मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। कम से कम कितने वर्ष देना पड़ेगा कथक में कि वो एक अपने आप को थोड़ा बेहतर बना सके? कला ऐसे है कि हम लोग सीखते ही जाते हैं, तो सागर की तरह है, कभी ख़त्म ही नहीं होता है सीखना, और अभी भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना है इस तरह से लगता है। लेकिन इसका नॉर्मल कोर्स 8 साल का होता है जो हम लोग मास्टर्स करते हैं, या PhD भी कर सकते हैं उसके बाद में, जिस तरह से नॉर्मल हम लोग का सब्जेक्ट होते हैं, है ना, उस तरह से ही है। मैम, आप नेपाल से बिलोंग करते हो और आप भारत में आके बस गए हैं, आपने भारत की नेशनलिटी भी ले ली है, तो आपको भारत देश कैसा लगता है और भारत की जो संस्कृति है वो आपको कैसे भाती है? बहुत सुंदर। वैसे नेपाल की संस्कृति भी बहुत ही सुंदर है, और हमारे तब इतना अवेयरनेस नहीं था नेपाल में, वहाँ की एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसको चर्या बोलते हैं, तो वो भी बहुत ही सुंदर है। लेकिन मुझे कथक बहुत अच्छा लगता था, तो कथक के वजह से मैं हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान में बस गई, और यहाँ के रहन सहन, यहाँ के कल्चर बहुत ही खूबसूरत और बहुत डाइवर्स है, तो बहुत ही सुंदर अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। लेकिन नेपाल से भी उतनी ही जुड़ी हुई हूँ मैं, अभी जाती हूँ जून में घर जाती हूँ, तो मैं वहाँ के जितने भी बच्चे सीखना चाहते हैं, तो मेरे गुरु ने जिस तरह से मुझे सिखाए हैं, जो भी कला मैं ले पाई हूँ गुरु से, तो वो मैं वहाँ पे वर्कशॉप्स के थ्रू देती हूँ उन लोगों को। तो दोनों कंट्री मेरे लिए बहुत, एक तो मेरी मातृभूमि है, एक मेरा कर्म भूमि है, तो दोनों ही मेरे बहुत ही दिल के करीब है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी भारत के प्रेमी हैं जो कथक सीखना चाहते हैं, वो लीना मालाकार मैम को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब में आप वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि जब विश्व पटल में हमारे भारत के नेतृत्व की बात आती है तो लीना मालाकार मैम हमारे भारत को गौरवान्वित करती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू मैम।